तुकोजी साहिब मुहिम जीत कर वापस आ रहे हैं। आइए आइए। आपके आशीर्वाद से विजयी होकर लौटा। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। गौतम रानी साहब, आज रकमा अपने पति की आरती उतारकर उनका स्वागत करेगी। आइए। बेटी, तुम्हें अपने पति पर बहुत गर्व होना चाहिए। बहुत बड़ी मुहिम पर विजय प्राप्त की है तुकोजी ने, वो भी अपने बलबूते पर। मालवा ऐसे वीर सपूत का हमेशा आभारी रहेगा। सरकार, एक बात कहनी थी आपसे, आपके प्रति, मालवा के प्रति तुकोजी की निष्ठा, ईमानदारी और बहादुरी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। कई बार इन्होंने अपनी वफादारी साबित की है और इस मुहिम को जीतकर बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने। इसलिए अब मुझे लगता है कि खंडेराव के साथ प्रशासन की सारी जिम्मेदारी संभालने के लायक हो गए हैं अब तुकोजी। तो अहिल्या को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो घरेलू जिम्मेदारियां संभालने। बीच में कहने के लिए क्षमा चाहूंगा रानी साहब, योद्धा तो कई आएंगे लेकिन अहिल्या के ज्ञान, उनकी बुद्धि और जन कल्याण के लिए कुछ भी कर जाने की उनकी जो इच्छा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपने मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है उसका मैं आभारी हूं, लेकिन मैं अहिल्या की जगह नहीं ले सकता। कोई नहीं ले सकता रानी साहब। अपना काम, अपना कर्तव्य तो सभी निभा लेते, लेकिन जब ऐसा निर्णय लेने का वक्त आता है जो आज का नहीं बल्कि कल के लिए भी लाभदायक हो, वहां पर अहिल्या का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और फिर मैं तो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन कभी भी अहिल्या को मेरी जरूरत हो, उनके साथ उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। कुछ और भी कहना है आपको रानी साहब? हमारे साथ कक्ष में चलो, कुछ बात करनी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.